रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। साल 1975 धर्मेंद्र साहब के लिए बेहद ही खास रहा। इस साल उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें शामिल रहीं शोले, प्रतिज्ञा, चुपके चुपके आदि। आज के इस बेहद रोचक एपिसोड में हम इन्हीं फिल्मों में से एक प्रतिज्ञा की बातें करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। विक्रमजीत फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था बिक्रम सिंह दहल और कंवर अजीत सिंह ने, तथा इसके निर्देशक थे दुलाल गुहा। इसकी कहानी लिखी थी कंवर अजीत सिंह ने, पटकथा लिखा था नबेंदु घोष ने, तथा संवाद लिखे थे शफीक अंसारी ने। तकरीबन 2 घंटे 44 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 27 जून 1975 को, तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, अभि भट्टाचार्य, जॉनी वॉकर, जगदीप, केशटो मुखर्जी, सत्येन कप्पू, राम मोहन, इम्तियाज खान, नजीर हुसैन, लीला मिश्रा आदि। फिल्म प्रतिज्ञा के प्रसिद्धि में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके धुन तैयार किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तथा बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म में कुल 4 गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे मैं जंगल की मोरनी, परदेशी आया देश में, उठ नींद से मिर्जिया जाग जा, और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत मैं जट यमला पगला दीवाना। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म प्रतिज्ञा साल 1975 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 5वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 80 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल के 3 शीर्ष कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म शोले, जिसने 15 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जय संतोषी माँ, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सन्यासी, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा गया। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के निर्माता व लेखक कंवर अजीत सिंह असल में धर्मेंद्र के सगे छोटे भाई थे, जिनका असली नाम अजीत सिंह देओल था। फिल्मों में आने से पहले ये गुरदासपुर रेलवे स्टेशन में काम करते थे। आजकल के मशहूर अभिनेता अभय देओल इन्हीं के सुपुत्र हैं। अजीत सिंह ने इस फिल्म में एक ट्रक ड्राइवर की छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। फैक्ट नंबर 3, मोहम्मद रफी साहब हमेशा अपनी सादगी और जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे, लेकिन विशेष मौकों पर वो खुलकर अपनी खुशी का इजहार करने से भी नहीं चूकते थे। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के गीत में जट यमला पगला दीवाना की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ। रफी साहब ने इस गाने की रिकॉर्डिंग लगभग झूमते हुए और नाचते हुए किया था। उस रिकॉर्डिंग में स्वयं धर्मेंद्र भी मौजूद थे। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफी साहब ने उनसे कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। धर्मेंद्र साहब इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि जब रफी साहब जैसे सादगी पसंद व्यक्ति इस गाने में नाच सकते हैं तो फिर वो इसमें आग ही लगा देंगे। लेकिन उनकी यह गलतफहमी जल्द ही तब दूर हो गई जब शूटिंग के दौरान उन्हें गाने के ताल के साथ नाचना मुश्किल होने लगा। अंत में धर्मेंद्र ने अपनी मर्जी से ही नाचना शुरू किया, जो आगे चलकर उनका सिग्नेचर स्टेप भी बन गया। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा की साल 1971 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दुश्मन। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। जब धर्मेंद्र ने इस फिल्म को देखा तो उन्होंने दुलाल गुहा को ताना मारते हुए कहा, आपने मुझे क्यों नहीं लिया इस फिल्म में। यह सुनकर दुलाल गुहा ने कहा कि कोई नहीं, अब बनाए देते हैं हम आपको एक ट्रक ड्राइवर। अंततः उस दिन यह तय हुआ कि धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह इस फिल्म का निर्माण व लेखन करेंगे, तथा दुलाल गुहा निर्देशन की जिम्मेवारी संभालेंगे। इस तरह से धर्मेंद्र अंततः एक ट्रक ड्राइवर बन ही गए।
फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब के 3 अलग अलग लुक देखने को मिलते हैं। पहला ट्रक ड्राइवर अजीत सिंह का, जिसमें वो लंबे बाल, दाढ़ी और पगड़ी में नजर आते हैं। दूसरा इंस्पेक्टर दविंदर सिंह का, जिसमें वो सिर्फ दाढ़ी व पुलिस के पगड़ी में दिखते हैं। तथा तीसरा थानेदार इंद्रजीत सिंह का, जिसमें वो क्लीन शेव नजर आए थे। इन तीनों ही भूमिकाओं में धर्मेंद्र साहब बेहद ही जचे हैं। गौरतलब है कि इन किरदारों में से एक का नाम अजीत सिंह है, जो कि फिल्म के निर्माता, लेखक व धर्मेंद्र के सगे छोटे भाई का भी नाम था। फैक्ट नंबर 6, यही वो फिल्म रही जिसके बाद से धर्मेंद्र की गरम धर्म वाली छवि बननी शुरू हो गई थी, जो कि साल 1977 तक आते आते पूरी तरह से पुख्ता हो गई, जब उन्होंने धर्मवीर फिल्म में खुलकर अपनी मजबूत फिजिक दिखाई। फैक्ट नंबर 7, हेमा मालिनी ने अपने बाद के एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म प्रतिज्ञा को वो धर्मेंद्र के साथ अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म मानती हैं। खैर, साल 1975 इस जोड़ी के लिए बेहद ही खास रहा। इस साल प्रतिज्ञा के अलावा दोनों ने शोले और कहते हैं मुझको राजा जैसी 2 फिल्मों में काम किया। इनमें से जहाँ शोले सदी की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रही, वहीं कहते हैं मुझको राजा को लोग याद भी नहीं करते। हालांकि यहाँ यह भी सच है कि कहते हैं मुझको राजा के मुख्य नायक विश्वजीत थे और धर्मेंद्र तथा हेमा मालिनी ने इस फिल्म में मेहमान की भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के मुख्य खलनायक थे अजीत साहब, जिनका लुक साल 1958 की हॉलीवुड फिल्म दी लोन रेंजर्स एंड दी लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड में अभिनेता जिस सिल्वर हिल्स के द्वारा निभाए गए टोंटो नामक किरदार जैसा ही दिखता है। फिल्म प्रतिज्ञा से अजीत साहब अपने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर सरीखी छवि को तोड़ने की कोशिश की थी, जो कि उनकी फिल्मों जंजीर और यादों की बारात से उन पर लगभग जमता जा रहा था। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में अमजद खान के छोटे भाई इम्तियाज खान ने अजीत साहब के बेटे की भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि यह दूसरी बार देखने को मिला जब दोनों पिता पुत्र की भूमिका में नजर आए। इससे पहले दोनों साल 1973 की फिल्म यादों की बारात में पिता पुत्र बने थे। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत मैं जट यमला पगला दीवाना को धर्मेंद्र ने बाद में अपनी 3 फिल्मों के शीर्षक के रूप में प्रयोग किया। ये फिल्में थीं साल 2011 की यमला पगला दीवाना, 2013 की यमला पगला दीवाना 2 तथा 2018 की यमला पगला दीवाना फिर से। फैक्ट नंबर 11, धर्मेंद्र साहब की फिल्में अपनी शानदार गीत संगीत के लिए जानी जाती हैं, जिनमें 8 से 10 गाने तो होते ही थे, पर प्रतिज्ञा उनकी कुछ ऐसी फिल्मों में से एक है जिनमें गानों की संख्या बहुत ही कम थी। इस फिल्म में केवल 4 गाने ही रखे गए थे, जिनमें केवल लता मंगेशकर और रफी साहब की ही आवाज थी, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार जोड़ी के गानों में कम ही सुनने को मिलता है, क्योंकि इनके गानों में कई गायक गायिकाओं के साथ साथ भारी संख्या में कोरस भी होते थे। फैक्ट नंबर 12, फिल्म के लोकप्रिय गीत मैं जट यमला पगला दीवाना को साल 1975 के बिना का गीतमाला के सालाना सूची में 26वां स्थान मिला था। इस सूची के पहले व दूसरे स्थान पर काबिज थे क्रमशः महंगाई मार गई और हाय हाय ये मजबूरी। ये दोनों ही गाने साल 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के थे तथा इनके संगीतकार भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे। खैर, इस सूची में तीसरा स्थान मिला था फिल्म जूली के गीत भूल गया सब कुछ को, जिसमें नवागंतुक संगीतकार राजेश रोशन का संगीत था। फैक्ट नंबर 13, भारतीय फिल्मों में ऐसे बहुत कम ही मौके देखने को मिलते हैं जहां एक से बढ़कर एक दिग्गज हास्य अभिनेताओं ने एक साथ काम किया हो। धर्मेंद्र साहब से विशेष आत्मीयता के चलते इस फिल्म में कई हास्य कलाकारों ने काम किया था, जिनमें शामिल थे जॉनी वॉकर, जगदीप, केशटू मुखर्जी, सुंदर, मारुति, बीरबल आदि। फैक्ट नंबर 14, पिछले ही साल 2020 में इस फिल्म ने अपने 45 साल पूरे किए थे। इस मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए धर्मेंद्र साहब अपने फैन से मुखातिब होते हुए फिल्म से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया था। साथ ही उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए कहा था कि यह फिल्म उनके लिए बेहद ही यादगार साबित हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में एक्शन के साथ कॉमेडी भी किया था, लेकिन कॉमेडी करना उन्हें सबसे मुश्किल काम लगता है। हालांकि
या धर्मेंद्र साहब का बड़प्पन है, नहीं तो क्या कॉमेडी और क्या एक्शन, किसी भी चीज में वो कमतर नहीं है। फैक्ट नंबर 15, यूं तो फिल्म प्रतिज्ञा व्यावसायिक रूप से बेहद ही सफल रही, पर अवार्ड्स के मामले में यह दुर्भाग्यशाली साबित हुई थी। साल 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे किसी भी श्रेणी में नामित तक नहीं किया गया था। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म रही शोले का भी कमोबेश यही हाल रहा, और उसे भी बेस्ट एडिटिंग का केवल एक ही अवार्ड हासिल हुआ। खैर, यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि कमाई के लिहाज से चौथे स्थान पर रही फिल्म दीवार ने शोले और जय संतोषी माँ जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा 7 पुरस्कार हासिल किए थे। तो ये थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लोकप्रिय फिल्म प्रतिज्ञा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।